गाइस, आज की डीएसए की वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएसए क्विज। तो चलिए जानते हैं डीएसए में क्विज क्या होते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करते हैं, अपने दोस्तों में फैमिली को वीडियो को शेयर कर देगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा। तो आपका रहता रहता नहीं है तो चलते मेरा स्क्रीन में लाइज हुआ कोडिंग विद लाफिंग एलिमेंट। ओके, थिंक करते हैं ऑफ अ क्यू एस पीपल स्टैंडिंग कर रहे हैं एक लाइन में, वो भी सुपर मार्केट में। जो पहला पर्सन है वो स्टैंड कर रहा है लाइन में, और ये ऑल्सो जो हमारा फर्स्ट हु कैन पे, जो पे कर रहा है और लीव कर रहा है द सुपर मार्केट दिस वे, ये एक वे है जिसे आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो एलिमेंट, और ये कहलाता है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फिफो बेसिक ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन अ क्यू आर, जो बेसिक ऑपरेशन हम करते हैं क्यू में, जो है इन कोई एड्स करता है एक नया एलिमेंट टू द क्यू। डी क्यू रिमूव्स करता है सारे रिटर्न्स करता है फर्स्ट फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। पीक क्या करता है, पीक रिटर्न्स करता है फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू इज एम्प्टी। चेक्स इफ द क्यू is empty. Size finds the number of elements in the queue. मतलब size help करता है find करता है numbers of elements वो भी queue में। Experiment with these basic operations. जब आप experiment करते हो in these basic operations वो भी queue animation ऊपर। Quiz can be implemented होता है और using करता है arrays या फिर linked list। Quiz use करता है जिसे implement करता है job excluding in foreign office printer। Order करता है वो processing for a e-ticket या फिर create करता है ये algorithm वो भी breadth first। आप सर्च करता है वो भी ग्राफ्स के अंदर। क्विज आर ऑफ्टन मेंशन करते हैं टुगेदर वो भी स्टैट्स के साथ, जो सिमिलर होता है और डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है वो भी प्रीवियस पेज में है। क्विज इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज, बेटर अंडरस्टैंड के लिए जो बेनिफिट्स है यूजिंग एरेज या फिर लिंक लिस्ट के, वो इम्प्लीमेंट करते हैं क्विज और यूज़र आपने चेकआउट करना है ये पेज एक्सप्लेन्स करेगा कैसे हाउ एरेज और लिंक लिस्ट स्टोर होते हैं इन मेमोरी में। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन वी यूज एन एरे ऐसा कोई, मतलब ये कुछ कैसा लगता है जब आप यूज कर रहे हो एरे ऐसा कोई। रीजंस टू इम्प्लीमेंट क्विज यूजिंग एरे, जब रीजंस कर रहे हो ये कुछ रीजंस हैं और इम्प्लीमेंट क्विज यूजिंग एरे। मेमोरी एफिशिएंट एरे एलिमेंट डू नॉट होल्ड द नेक्स्ट एलिमेंट, एरे एलिमेंट नहीं होल्ड करते नेक्स्ट एलिमेंट एड्रेस जैसे कि लिंक लिस्ट नोड्स जैसे नोड्स डू करते हैं। इजियर, अगर आप इजियर कर रहे हैं इम्प्लीमेंट और अंडरस्टैंड कर रहे हैं यूजिंग एरेज, ये कुछ यूजिंग एरेज है इसे आप इम्प्लीमेंट करते हो क्विज और रिक्वायर करते हो लेस कोड जब आप यूजिंग करते हो लिंक लिस्ट, एंड फॉर दिस रीजन इस रीजन के लिए टाइपिकली ये इजियर है अंडरस्टैंड एज वेल। रीजंस फॉर नॉट यूजिंग एरेज टू इम्प्लीमेंट क्विज, यहाँ पे कुछ रीजंस है अगर आप नहीं यूजिंग कर रहे हो एरेज को इम्प्लीमेंट क्विज। फिक्स साइज एक एरे जो ऑक्यूपाइज करता है फिक्स करता है आपके पार्ट वो भी मेमोरी के, इसका मतलब है कि दैट इट कुल टेक अप मोर मेमोरी और नीडेड करते हैं, और इफ द एरे जब आपका एरे फिल्स अप होता है और ये नहीं होल्ड कर सकता ज्यादा एलिमेंट्स, और डिजाइनिंग करता है एन एरे जो कैन बी कॉस्टली होता है। शिफ्टिंग कॉस्ट, क्विज कॉस्ट करता है आपके पहले एलिमेंट को इन द क्यू में और टू बी रिमूव करते हैं, और जो अदर एलिमेंट्स है ना वो मस्ट बी
शिफ्टेड करते हैं, टेक करते हैं आपके और रिमूव करते हैं एलिमेंट्स को, प्लेस करते हैं ये दिस एफिशिएंट और कैन कॉज करते हैं प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली अगर आपका क्यू लॉन्ग होता है. अल्टरनेटिव्स, सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमाइज करता है फॉर क्यू ऑपरेशंस करता है और दैट आर जो होते हैं बेटर देन यूजिंग एरेस. नोट दैट जब आप यूजिंग कर रहे हो एरेस पाइथन में फॉर दिस ट्यूटोरियल वी आर रियली यूजिंग द पाइथन लिस्ट डाटा टाइप, बट फॉर द स्कोप of this tutorial the list data type can be used hota hai in the same way mein as an array. Learn more about python list here. Science, python list has good support. Python list ke baad good support hota hai, functionality needed hota hai, implement karta hai kuch. We start creating a queue or do queue operations but to explicitly और क्रिएट करेंगे डाटा स्ट्रक्चर फॉर क्विज विद बेसिक ऑपरेशन. वी शुड हम क्रिएट करेंगे क्विक क्लास इंस्टेड द वे ऑफ क्रिएटिंग क्विज वो भी पाइथन में. ऑल्सो मोर सिमिलर है हाउ क्विज कैसे क्विज कैन बी क्रिएटेड होता है वो भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि सी और जावा. क्विक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लैंग्वेज, रीजन फॉर यूजिंग लिंक्ड लिस्ट जिससे आप इम्प्लीमेंट करते हो क्विज, डायनामिक साइज द क्विज क्विक कैन ग्रो करते हैं और श्रिंक करते हैं डायनामिकली अनलाइक विद एरेस. नास नहीं होती शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग, द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू कैन बी रिमूव इन क्विक विदाउट हैविंग टू शिफ्ट अदर एलिमेंट वो भी मेमोरी के अंदर इन द मेमोरी. रीजन फॉर नॉट यूजिंग लिंक्ड लिस्ट टू इम्प्लीमेंट क्विज, एक्स्ट्रा मेमोरी. ईच क्यू करता है एलिमेंट जो कंटेन करता है आपके एड्रेस वो भी नेक्स्ट एलिमेंट में जो आपका नेक्स्ट लिंक लिस्ट नोड है. रीडेबिलिटी जो कोड है वो माइट भी हार्डर होती है और रीड करता है आपके राइट करता है थोड़े से बेसिक एक बिकॉज ये लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स भी है. तो आप ये देखें हमने आज की वीडियो में जाना है डीएसए कोई सेशन में होता क्या है वो भी डाटा स्ट्रक्चर में. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में फैमिली का वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी कर देगा और मेरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फुल कोर्स प्लेस को एक्सेस करके बुकमार्क भी सॉरी डीएसए प्लेस को बुकमार्क करना भी मत भूलेगा और बुकमार्क करके ऑल पे एक्सेस भी कर लेगा. तो मेरे नेक्स्ट फॉर टुडे गुड बाय.